न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि कोल्हान में जो है ना आजादी के पहले से जो यहाँ का जो लोएस्ट का खदान है, आपका जल का विशाल स्रोत है, यार जमीन है, जो यहाँ के उद्योग घराने को जैसे टाटा रुंगटा और बिरला को दिया गया है, और जिसके कारण जो है ना बड़े पैमाने में आदिवासियों का विस्थापन हुआ है। आपको बता दे रहे हैं कि इस कंपनी की स्थापना से पहले CNTA और SPTA और विल्किंसन रूल बना, उस कानूनों को उल्लंघन करके यहाँ के जो आदिवासियों को विस्थापन किया गया है, उस पर हम लोग जांच करने का एक मांग सौंप रहे हैं। उसमें टाटा लीज को भी हम लोग घसीटे हैं कि टाटा लीज 2005 में जो रिन्यूअल हुआ है उसका भी हम लोग पुनः जांच कराएंगे, और निष्पक्षता रूप से नहीं हुआ है। सरकारी क्वार्टर पे क्या बोलना चाहते हैं? सरकारी क्वार्टर का मतलब है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी यहाँ का जो DC/SP साहब है और SDO साहब है, ये लोग जो है ना अभी भी टाटा स्टील का क्वार्टर में रहते हैं और जुस्को का पानी बिजली का उपयोग करते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो यहाँ का उद्योग नगरी है, जो रोजी रोजगार के लिए बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ जो आदिवासी है जो साल दातून वगैरह बेच के अपना जीविका उपार्जन करते हैं, और यहाँ के छोटे व्यवसाय जो ठेला वगैरह चलाते हैं, गोलगप्पा बेचता है, लिट्टी बेचता है, कोई चौमिन बेचता है, कोई चाट बेचता है, कोई आइसक्रीम बेचता है, इन लोगों को अतिक्रमणकारी समझ के बलपूर्वक इन लोगों को हटाता है। अगर ऐसे में इन लोगों का रोजी रोजगार और परिवार में संकट आ जाएगा, तो अगर मान लिया ऐसा है तो इनके लिए भी पुलिस नीति बनाया जाए, और हम लोग पूरा विरोध करते हैं कि जल्दी ये लोग टाटा स्टील का बंगला छोड़े, और सरकार के पास सारा संसाधन है, अपना निवास व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ रह के वो जनता के लिए काम करें। मेरा नाम इंद्र है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा संगठन सचिव कोल्हान।